राकेश सेठी फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक होगा एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में आपको चार एक्सरसाइज करवाऊंगा, जिसमें कि अपर की दो एक्सरसाइज होंगी और लोअर की दो एक्सरसाइज, जिसमें कि कॉमन चेयर क्रंचेस, योगा मैट क्रंचेस और लोअर में जो है आपका बोर्ड लेग रेजेस, हैंगिंग लेग रेजेस। ये हमारी चार एक्सरसाइज होंगी। इसे बिगनर्स और जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं और इससे काफी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारे साथ होंगे मनीष पांडे और पारस। मनीष पांडे हमारे टीम के काफी पुराने मेंबर हैं। इन्होंने नेचुरल बिना सप्लीमेंट के जो है एक फिटनेस मोडी की इन्होंने तैयारी करी थी और जिसमें कि अभी ऑक्सीजन चल रहे हैं, इसके बाद ये फिर दोबारा वापसी करेंगे। जिस अभी जॉब लगी आपके, इनके अभी जॉब लगी गवर्नमेंट जॉब, तो थोड़ा अभी रेस्ट पे है, उसके बाद ये दोबारा वापसी करेंगे। अभी हमारे जो पारस भाई है ये अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी की स्टार्टिंग उन्होंने कर चुके हैं। की तरफ आते हैं हम अपना रोमन चेयर जिसे हम बोलते हैं, या अपर की काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें जो स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं मैं उनसे ये कहूंगा 3 सेट 15-15 ये स्टार्टिंग में क्लियर करें। चलिए करके दिखाइए। पोस्चर आपका यही रहेगा, जिस तरीके से बच्चे का लोअर बैक हल्का सा बैंड है और अपर स्ट्रेट है, ऐसे रखना है आपने। और ब्रिज ऊपर आते टाइम आउट करनी है आपने। रेपिटेशन 15-15 रहेंगे और 3 सेट जो आपके इसने कवर करने हैं। रेपिटेशन के बाद आपके जो रेस्ट की टाइमिंग 20 सेकंड का रेस्ट लेके चलना आपने, जिसका नाम है योगा मैट क्रंचेस। ये एक्सरसाइज आपकी अपर की काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपने 3 सेट कवर करने हैं, 15-15 रेपिटेशन रहेंगे इसके। ये इस तरीके से आपने अपने योगा मैट क्लियर करना है। 3 सेट आपके इसके रहेंगे, 15-15 रेपिटेशन। लोअर बैक आपने यूज नहीं करना, सिर्फ अपर चेस्ट आपने यूज करना है। इसमें नीचे आते टाइम ब्रीथ इन लेनी है, ऊपर आते टाइम ब्रीथ आउट करनी है आपने। स्टार्टिंग में आपके 3 सेट 15-15 के रहेंगे। आगे आने वाले टाइम में जब हम एक्सरसाइज को जो है एडवांस लेवल पे लेके आएंगे, तब इसको रेपिटेशन और सेट्स बढ़ाएंगे हम। अपर एब्डोमिनल की जो एक्सरसाइज है डिक्लाइन, जिसे हम रोमन चेयर भी बोलते हैं, और योगा मैट आपको करके दिखाया है मनीष भाई ने। इसी तरीके से आपका लोअर एब्डोमिनल के लिए जो है हमारे पारस भाई जो है बोर्ड लेग रेजेस और हैंगिंग लेग रेजेस जो है वो करके दिखाएंगे आपको। इसकी तरफ बोर्ड लेग रेजेस की तरफ आइए। लेग रेजेस आपने इसी तरीके से लेना है, जिस तरीके से बच्चे की नहीं हल्की सी बैंड है ऐसी आपने बैंड रखना है और लेग नीचे टच नहीं होगा और स्टमक हल्का सा टाइट रखना आपने। ऊपर आते टाइम ब्रीथ इन लेनी है और नीचे जाते टाइम आउट करनी है। इसमें आपने 15-15 की 3 सेट क्लियर करनी है स्टार्टिंग में। हैंगिंग लेग रेजेस की तरफ चलिए। आपने इसमें 3 सेट लिए लेने, 10-10 रेपिटेशन रहेंगे इसमें। आपने बोर्ड लेग रेजेस जो लिए थे उसमें आपके 15-15 रेपिटेशन थे, मैं इसमें सलाह दूंगा कि 10 रेपिटेशन ही लेने आपने। और लेग इसी तरीके से आपने बैंड रखनी है, ऊपर आते टाइम ब्रिज इन करनी है, नीचे आते टाइम आउट करनी है और स्टमक ऐसे ही हार्ड रहेगा, ढीला नहीं छोड़ना उसको। का पार्ट क्लियर हो चुका है, जिस तरीके आपने देखा अपर पार्ट और लोअर एब्डोमिनल जो है बच्चों ने करके दिखाया आपको। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज के साथ साथ आप डाइट भी अच्छी लेके चलें, क्योंकि देखो डाइट 70% का ही खेल है, 30% आपका एक्सरसाइज है। तो साथ के साथ दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो एब्स निकल आएंगे बढ़िया सुंदर और आप तैयारी भी कर सकते हो। अगर आपने पेट कम करना है तो स्टमक कम भी हो सकता है। तो साथ के साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि डाइट अच्छी लेके चलें। Thank you guys.